हाई आई एम रेनू भार्गव डायरेक्टर जेस डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट आई मीन टू एजुकेशन फ्राम लास्ट सेवेंटीन ईयर्स एंड आई एम अ प्रोफेशनल फ़ैशन डिज़ाइनर एंड अ एजुकेशनिस्ट सो आज हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ के बाद के क्रिएटिव प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जिन जिन कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग फैशन मीडिया मेकअप मॉडलिंग डिजिटल मार्केटिंग इन पाँच कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे और मैं हर कोर्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी कि उसका क्राइटेरिया क्या है करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है क्या सैलरी पैकेजेस आपको मिलेंगे और कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल अगर आपको बाकी वीडियोस के लिए इंटीमेशन चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग फ़ैशन डिज़ाइनिंग का जो एक कोर्स है इसमें क्राइटेरिया अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है तो आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप निफ़्ट और निड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेवेंटी परसेंट इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता आपका ट्वेल्थ क्लियर होना चाहिए अगर आपको डिग्री परस्यू करना है तो डिग्री में भी हम बताते हैं कहीं पर कोई फोर ईयर प्रोग्राम चलाता है कोई थ्री ईयर प्रोग्राम चलाता है तो जहाँ हम थ्री ईयर और फोर ईयर की बात करते हैं तो वहाँ फाउंडेशन एक ऐसा मॉड्यूल है जो तीन साल में तीन महीने का पढ़ाया जाता है और चार साल के कोर्स में आपको एक साल का पढ़ाया जाता है उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो ये डिफरेंस है तीन साल और चार साल के कोर्स में और अब हम आते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के ऊपर तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम ग्रेजुएशन तो डी से कर रहे हैं पर हम डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप ट्वेल्थ के बाद टू इयर्स का डिप्लोमा बहुत आराम से कर सकते हैं और आपको उसके बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें ये क्लियर हो गया आपको नेक्स्ट बात करेंगे हम कि एडमिशन का टाइम क्या होता है मोस्टली सारे इंस्टीट्यूट में जून मिड से लेके जुलाई और अगस्त तक एडमिशन्स चलते हैं उसके बाद आता है कि क्या कोर्सेज़ होंगे हमारे क्या पढ़ाया जाएगा हमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग में फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सबसे पहला होता है फ़ाउंडेशन आर्ट फाउंडेशन आर्ट होता है जहाँ पे हम आपकी फ़ाउंडेशन पे काम करते हैं आपको स्किल बताते हैं जिसमें आपको स्केचिंग बताई जाती है क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में हर बच्चा डिफरेंट फील्ड से आता है कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है इवन कई साइंस बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं तो उनका ड्राइंग स्किल अच्छा नहीं होता तो ड्राइंग स्किल अच्छा करने के लिए स्किल को समझना ज़रूरी होता है ऐसा नहीं है कि आपकी पहले से ड्राइंग अच्छी नहीं तो आप फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप फाउंडेशन आर्ट जब सीखेंगे तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है उसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा टेक्सटाइल जिसमें हम आपको फैब्रिक नॉलेज के बारे में बताते हैं थर्ड आ जाता है आपका पैटर्न मेकिंग जिसमें आपको कटिंग के बारे में बताया जाता है फिर आता है आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जिसमें आपको स्टिचिंग के बारे में बताया जाता है फिर आ जाता है आपका एच ओ सी हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है फिर हम उससे इंस्पिरेशन लेकर अपने डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है कैड कैड होता है जिसमें आपको कोरल और फोटोशॉप सिखाया जाता है फिर आ जाता है हमारा ड्रेपिंग ड्रेपिंग वो आर्ट होता है जैसे आप बहुत सारे बॉलीवुड के इवेंट्स देखते हैं जिसमें आप देखते हैं सोनम कपूर ने बड़े स्ट्रक्चर्ड गाउन पहने हुए हैं या माधुरी दीक्षित ने बहुत स्ट्रक्चर्ड गाउन पहने हुए हैं या ड्रेप साड़ी पहनी हुई है तो वो सारा ड्रेपिंग में पढ़ाया जाता है आपको इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाता है मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज मर्चेंडाइजिंग में आपको पता लगता है कि सोर्सिंग कैसे होती है फैब्रिक सोर्सिंग कैसे होती है थ्रेड की सोर्सिंग कैसे होती है डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट हाउस की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है ये सब चीज़ें आपको मर्चेंडाइजिंग में पढ़ाई जाती हैं फिर आता है आपका फ़ैशन थ्योरी फैशन थ्योरी में आपको uh, क्या टर्मिनोलॉजी है फैशन में टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे नेक लाइन्स का नाम क्या है स्लीव्स के नाम क्या है, ज़िपर्स कितनी तरह की होती हैं ये सब चीज़ें आपको फ़ैशन थ्योरी में पढ़ाई जाती है तो आपको क्या चेक करना है आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप उनका कोर्स मॉड्यूल ज़रूर देखें कि आपको वो एक साल में क्या पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपको कितना प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है प्रैक्टिकल दो ये कोर्स सारा प्रैक्टिकल है एटी परसेंट ये प्रैक्टिकल है बट प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको विजिट्स कितनी कराई जाती हैं डिज़ाइनर इंटरेक्शन कैसे होता है क्योंकि ये एक लग्जूरियस कोर्स है ये जितना क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा उतना क्लास के बाहर भी पढ़ाया जाएगा कैसे फैशन शोज़ होते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने को मिलता है इंटर्नशिप उनके कोर्स का पार्ट है या नहीं है ये सब चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है तो इस तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं अब हम आते हैं करियर ऑपरचुनिटीज़ करियर ऑपरचुनिटीज़ में सबसे पहले इसमें आता है एक्सपोर्ट हाउस में काम मेजरली जो बच्चों को लगता है हमें एक्सपोर्ट हाउस में काम करने को मिलेगा जी हाँ आप एक्सपोर्ट हाउस में काम कर सकते हैं आप डिज़ाइनर के पास काम कर सकते हैं आप अपना बुटीक भी खोल सकते हैं आप मीडिया हाउसेस के साथ भी काम कर सकते हैं तो ये सारी करियर ऑपरचुनिटीज़ हैं और आपने अगर ट्वेल्थ किया है ट्वेल्थ के बाद अगर आपने तीन साल का प्रोग्राम किया है उसके बाद में अगर आप इंटर्नशिप आपको इंस्टीट्यूट देता है तो बहुत अच्छी बात है सिक्स मंथ्स की इंटर्नशिप करें और उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको बहुत इजीली फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में जॉब ऑफर होती है बीट वो डिज़ाइनर के पास हो या एक्सपोर्ट हाउस के पास हो या मीडिया हाउसेस के पास हो और अगर आपने ट्वेल्थ किया है और आप डिप्लोमा करते हैं दो साल का कोई बुराई नहीं है डिप्लोमा करने में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं दो साल का तो भी आपको कहीं दस से पंद्रह हज़ार की जॉब ऑफ़र आराम से होती है बट आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट आपके डिजिटल पोर्टफोलियो के ऊपर ज़रूर काम करे फैशन डिज़ाइनिंग स्टिचिंग के कोर्स से बहुत अलग है बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम स्टिचिंग सीखने जा रहे हैं तो आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं आप टेलर बनने नहीं जा रहे हैं ये बात आप बहुत क्लियरली समझ लें तो आपका मेन फोकस जो है वो डिज़ाइनिंग पे होना चाहिए टेलरिंग कटिंग स्टिचिंग आपको आना ज़रूरी है बट कटिंग स्टिचिंग में मास्टरी ज़रूरी नहीं है आपकी मास्टरी आपके डिज़ाइन में होनी बहुत ज़रूरी है आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उनको ये लगता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा टेलरिंग नहीं सिखाई जा रही है तो हम कैसे इस कोर्स को समझ पाएंगे या हमने कभी टेलरिंग की नहीं है तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है तो हम कैसे इस कोर्स को कर पाएंगे तो आपको सब कुछ जो पढ़ाया जाएगा वो स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा स्क्रैच मतलब बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको मशीन पार्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाएगी मशीन को कैसे हैंडल करना है ये बताया जाएगा जैसे हम फाउंडेशन आर्ट में स्किल पढ़ रहे हैं वैसे ही हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन में भी मशीन के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एंड आई थिंक आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे और आप एक बेटर इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड थैंक यू